दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्धमस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास टेंथ का 2023 का पेपर है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे आज के इस वीडियो में। OMR वाले 20 प्रश्न यहाँ पर टोटल आपको सॉल्व मिलेंगे। इसके बाद आपके जो लिखने वाले प्रश्न हैं उनको भी बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न कैसे करने हैं, और सारी यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। यहाँ पर लगातार आपको सभी विषय के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर मिलते रहते हैं। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का ये पूरा पेपर। 2024 में अगर एग्ज़ाम देने वाले हो बोर्ड के, यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, तो ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड में भी ये काम करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहां पर सामाजिक विज्ञान के। तो यहां पर देख लेते हैं, 932 विषय कोड है इसका, 825 EZS प्रश्न पत्र का कोड है। सामाजिक विज्ञान हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। 70 नंबर का ये पूरा पेपर है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना है। इसके बाद इसमें लिखा है कि इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें एक विकल्प चुनकर आपको अपने OMR शीट पर भरना है। इसके बाद OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटना नहीं है, तथा इरेजर, वाइटनर, इन सब का प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद लिखा है खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न मतलब इस तरह की कॉपी जो आपको मिलती है उसमें उनके उत्तर जो लिखे जाते हैं, उस तरह के आपको 50 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। 20 नंबर के बहुविकल्पीय, 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। जो प्रश्न आए आप उसको पहले कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगातार ही प्रश्न करने हैं। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना या मजबूती से बांधना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। यानी जो मानचित्र के प्रश्न हैं उनका उत्तर केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लिखना है। यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर इंग्लिश में सेम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट ए, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, जर्मनी से। ऑटो वॉन बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो पराजय हुई थी वो 1814 ईस्वी में हुई थी। इसी के नीचे देखो, जस्ट नीचे इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नीचे पढ़कर अपना आंसर भर सकते हैं। व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है, कौन सा विषय संघीय सूची का है। तो रक्षा जो होता है ये संघीय सूची का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। ब्रिटेन वुड्स, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित थी। तो ये संस्था अमेरिका में स्थित थी। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अमेरिका। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगला प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक का कथन, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मताधिकार की आयु क्या है, मतलब वोट देने की आयु क्या है भारत में? तो वोट देने की आयु भारत में कितनी होती है, कमेंट में जरूर लिखना, 18 वर्ष, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन से हैं। लोकतांत्रिक शासन अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतांत्रिक शासन अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक शासन सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा भी बढ़ाती है, व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ाती है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885, 1904, 1857 या 1855 में? तो ये हुई थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त हैं संघ को, यानी केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट पेज पे चलो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो ये उड़ीसा में लाल मिट्टी पाई जाती है, इन सभी राज्यों में, गुजरात में नहीं पाई जाती, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती, ओडिशा में, उड़ीसा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित, यहाँ पर है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? तो ये है पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा है ये एक ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है। कोयला परंपरागत साधन है, प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है, प्राकृतिक गैस भी, खनिज तेल भी, गैर परंपरागत यानी कि नए, ठीक है, इनोवेटेड सोर्स जो हैं उन्हें, उनमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, ईंधन कोशिकाएं, ये सब आता है। तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है, संसाधन है, स्रोत भी कह सकते हैं ऊर्जा का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? तो उड़ीसा बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो चूना तो अधात्विक खनिज है, सल्फर भी अधात्विक खनिज है, कोयला भी अधात्विक है, मैंगनीज एक धातु होती है, Mn, तो यहाँ पर मैंगनीज धात्विक खनिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? तो लोहा जैव संसाधन नहीं है, तांबा भी नहीं है, चट्टाने भी नहीं है, मछली उद्योग एक जैव संसाधन है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं बचे हुए 5 क्वेश्चन कौन से हैं, बचे हुए 5 प्रश्नों में क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो ये पंजाब होना चाहिए, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लेना, 99% इसका उत्तर डी ही है। 17 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर इसका आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर पता हो। 17 निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने निर्धारित किया गया था कि देश के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, ठीक है, ये वनों से घिरे होना चाहिए, जंगल होना चाहिए 33% भूमि पर, तो ए वाला सही है। इसके बाद मानव विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? मानव विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा देश भारत से बेहतर स्थिति में है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत से बेहतर स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्रक की जो गतिविधि है वो खनन है, यहाँ पर बर्तन बनाना नहीं है, भवन निर्माण नहीं है, सिलाई नहीं है, खनन प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि के अंतर्गत आती है।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो गूगल करोगे तो 1986 में बना था। यहाँ पर कोई ऑप्शन 1986 का नहीं दिया है, 99 दिया है, 1995 दिया है, 1990 दिया है, 1896 दिया है, तो यहाँ पर शायद मिस प्रिंट हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपको अगर इन चार ऑप्शन में से कोई लगता है तो उसे कॉमेंट में ज़रूर बताना। अब खंड ब आता है जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। देखो पार्ट बी में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, इसके लिए आपको अलग से ओएमआर शीट पे 20 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको पता चल गए हैं। फिर इसके बाद आपको कॉपी दी जाती है, ठीक है, कॉपी में आपको अपने उत्तर लिखने होते हैं। तो इस तरह की कॉपी आपको मिलेगी, बोर्ड की जो कॉपी होती है वो मिलती है, उसमें आपको लगातार सीरियल वाइज आपको उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आप डाल देंगे सेक्शन बी डाल देंगे, पार्ट बी यहाँ पर आप डालना, पार्ट बी इस तरह से डाल देना और उसमें फिर लिखना क्वेश्चन नंबर एक या प्रश्न नंबर एक, प्रश्न एक करके आप अपना उत्तर लिखेंगे। फिर यहाँ से ये ब्लैक हेडिंग डालना और उसके नीचे आप यहाँ पर उत्तर इसका लिखेंगे, उत्तर यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। अब पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, इसका 80 शब्दों में आपको जवाब देना है। ये 4 नंबर का ये प्रश्न है, 4 नंबर में ये पूछा गया। नहीं आता तो अथवा में आपको एक विकल्प दिया गया है, विकल्प मिला है। नमक सत्याग्रह के बारे में भी आप लिख सकते हैं, नमक सत्याग्रह के बारे में आप लिख सकते हैं 4 नंबर में, यही प्रश्न इंग्लिश में दिए हुए। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया, संक्षेप में लिखिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न, नहीं आता ये वाला प्रश्न तो आप सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, तो लोकतंत्र के बारे में तो ज़रूर पढ़ के जाना, इस कथन की विवेचना कीजिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, खनिज के संरक्षण की विवेचना करना है, खनिज के संरक्षण की विवेचना करना। नहीं आता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना करो, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना करो। तो 4 नंबर वाले प्रश्न 1 से 1.5 पेज इनका उत्तर जाता है, ठीक है, 2 पेज भी कभी कभी जाता है, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 4 है झूम खेती की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, झूम खेती क्या होती है। नहीं आता है तो उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए, उपभोक्ता के शोषण होता है जो, उनके 4 कारण आप लिख सकते हैं। अब वर्णात्मक पार्ट 2 आ जाता है, तो 4 नंबर के 4 प्रश्न वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव 1 में पूछे गए, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव 2 है, वर्णात्मक 2। इसमें देखो प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। सबसे पहला है 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, 150 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो 3+3 3+3 का है, नहीं आता सविनय अवज्ञा आंदोलन तो अथवा में या फिर ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी, 1929 वाली वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करो। तो ये 1.5 6 नंबर का ये पूरा प्रश्न होगा। अब प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों को उल्लेख करो, तो किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करो। नहीं आता है तो लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जाने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। लोकतांत्रिक सुधार, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है, यहाँ पर लिखना है, ये 2 नंबर का। फिर इसके लिए उठाए जा सकने वाले 2 कदमों का उल्लेख कीजिए, तो 2 कदम 2 नंबर के हैं, तो 6 नंबर का ये पूरा प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है भूगोल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, जो मृदा का कटाव होता है उसी को मृदा अपरदन बोलते हैं, तो मृदा के कटाव से क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताना है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताना है। तो 2 नंबर की परिभाषा कि मृदा अपरदन क्या है और फिर 4 उपाय 4 नंबर के, तो 6 नंबर का ये पूरा प्रश्न। नहीं आता मृदा अपरदन तो संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है,
भारत में संसाधन नियोजन के कोई चार उपाय, एक परिभाषा, चार उपाय, दो प्लस चार, भूगोल के प्रश्न हैं ये। प्रश्न संख्या 8, विकास की अवधारणा क्या है? विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? 2+4, ठीक है, ये भी 6 का है, नहीं आता तो तृतीयक क्षेत्रक क्या है, ये बार बार आता है तृतीयक क्षेत्रक के बाद, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, रट के जाना, पढ़ के जाना। तृतीयक क्षेत्र क्या है, इनकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, 2+4, ठीक है, ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद मानचित्र संबंधी कार्य आ गया। मानचित्र के कार्य में इस तरह का आपको एक वर्ल्ड मैप और इस तरह का इंडिया का मैप दिया जाएगा और जो प्रश्न पूछे जाएं उनको आपको उस स्थान पर उस विशेष चिन्ह द्वारा अंकित करना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला कानून हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गुजरात का वह स्थान जहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, वह स्थान जहाँ पर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो जो जहाँ पर स्थान है, ये दूसरे मानचित्र के यहाँ पर प्रश्न भरे गए हैं। जैसे यहाँ पर फ्रंट बे दिखाया गया था, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, बरामजादा, या जो कुछ भी यहाँ पर दिखाना है, आप विशेष चिन्ह द्वारा वहाँ पर आप नाम लिख देंगे और प्रश्न संख्या लिख देंगे, ठीक है, जैसे 4 पे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी तरह से। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भूगोल के मानचित्र के प्रश्न है। उत्तर भारत की एक नदी, यहाँ पर गंगा आप दिखा सकते हैं यूपी में इस तरह से, ठीक है, गंगा का आप यहाँ पर शो कर सकते हैं नंबर 1 डाल के। एक ताप विद्युत केंद्र का इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र इस चिन्ह से दिखाना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, 2 नंबर डाल देंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री बंदरगाह, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा, तो यहाँ पर मान लेते हैं विशाखापट्टनम है या कोई भी बंदरगाह है जो कि भारत के पूर्वी तट पर है, तो यहाँ पर इस तरह से आप उसका क्वेश्चन नंबर डालेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद है चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा, तो चाय उत्पादक क्षेत्र इधर असम में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप इस तरह का निशान बनाकर शो कर सकते हैं, ये पत्तियों वाला निशान। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ और यहाँ पर आप किस तरह से अंकित करेंगे वो आप वहाँ पर लिखकर 5 नंबर डालकर यहाँ पर लिखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी कमेंट में ज़रूर बताओ। जो बच्चे दृष्टि बाधित हैं उनको केवल और केवल अपनी उत्तर पुस्तिका में, इस तरह की जो आपको बुक आंसर बुकलेट मिलेगी उसमें केवल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 करके उनके उत्तर केवल लिखने हैं, उन्हें मानचित्र पर काम नहीं भरना है। तो इस तरह से वो केवल उत्तर लिखेंगे। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सेम वही प्रश्न है 9A और 9B के, तो उनको केवल और केवल उन प्रश्नों के उत्तर लिखने, उन्हें मानचित्र का काम नहीं करना। ये मानचित्र आपको अपनी बुक में अच्छे से बांधना है, आंसर बुकलेट में आपको अच्छे से टाइट करके बांध देना है ताकि गिरे ना ये। तो ये पूरा पेपर था सामाजिक विज्ञान का। इस तरह से सॉल्व करोगे, इसी तरह के इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो 90-95% नंबर आएंगे। और इसका पूरा सॉल्यूशन लिखित वाला, डिस्क्रिप्टिव वाला भी तुरंत आने वाला है 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना, दोस्तों को शेयर कर दो और लाइक करके कमेंट अच्छा से ज़रूर लिखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे पेपर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।